Good morning from Raipur. It's day number 2 of this trip, 7th of September 2022. सुबह के बजे है 8 एंड वी आर ऑलरेडी इन द फील्ड विथ रोहन. वहाँ पे कुछ तो उसका काम की बातें चल रही है, जो यहाँ का वर्क स्टाफ होता है, मतलब लेबर वगैरह और सुपरवाइजर्स, उनको कुछ तो एक्सप्लेन कर रहा है आज के दिन के काम. जब वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं रोहन को यहाँ बुलाऊंगा एंड ही विल टेल यू अबाउट ऑल द फार्मिंग एक्टिविटीज दैट इज डूइंग. बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, यहाँ पे इनका आई थिंक 100 एकर और समथिंग ऐसा कुछ तो टोटल एरिया है जिसमें फार्मिंग होती है, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स. अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, दिस इज ब्रिंजल, यहाँ से स्टार्ट होता है फार्म एंड यू कैन सी ओवर देयर, वो जो पेड़ है ना, उस पेड़ तक ये फार्म है. एंड देन ऑन द अदर साइड वो गेट है जो मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था, ये गेट से एंट्री करके उनके घर तक, इतना बड़ा यहाँ पे ये दो खेत है. सो दे डूइंग इट ऑन अ लार्ज स्केल. अभी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं भी सीख रहा हूँ, बिकॉज इफ़ यू डोंट नो, बहुत से लोगों को तो पता होगा, आई एम इन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड ओनली. मतलब मैं पेशे से एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हूँ, लैंडस्केप कंसल्टेंट हूँ, फार्मिंग कंसल्टेंट हूँ. तो फार्मिंग के छोटे छोटे नुस्खे, एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से सीख के, मतलब जो पिछले दो बार आया था ना, दोनों बार में कुछ ना कुछ सीख के गया हूँ. इस बार भी बहुत कुछ सीख के जाना है, छोटी सी ट्रिप में भी कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए. रोहन की टोटल फार्मिंग के बारे में जानेंगे एंड देन आफ्टर ब्रेकफास्ट वी आर लीविंग फ्रॉम हियर टूवर्ड्स एक्चुअल डेस्टिनेशन, मतलब जिस जहाँ घूमने के लिए हम यहाँ आए हैं रायपुर में. रायपुर में वैसे तो ज़्यादा कुछ सिटी में कुछ नहीं है. हमने कल शाम को बाहर जाके डिनर वगैरह किया, थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड किया, रोहन और श्रुति, मतलब एंटायर फैमिली. और फिर अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स जगदलपुर. वहाँ पे चित्रकूट वाटरफॉल जाएंगे, तीरथगढ़ वाटरफॉल और भी कुछ छोटी मोटी प्लेसेस है वो देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे. बट फॉर नाउ लेट्स गो एंड टॉक टू रोहन. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल. यू वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स. वेल, आई सेड कि रोहन का काम होने के बाद आपसे बात कराऊंगा, बट देन आप, मैं सोच रहा हूँ कि अभी इससे बात करूँ, अभी इससे बात करूँ, बट उतने टाइम में ये मेरे को 3 फार्म्स में अलग अलग घुमा के लेके आ गया. सो जहाँ पे मैं पहले था, दैट वॉज ब्रिंजल. देन जो इसके घर के पास है, दैट इज़ ऑल बिटरगॉड फॉर नाउ. फिर उसके बाद हम और एक प्लॉट में गए, दैट वॉज अगेन ब्रिंजल, राइट? ओके, बनाना, ब्रिंजल, या एंड बनाना, आई फॉरगॉट टू शूट दैट. वापस जा सकते हैं उधर? हाँ, तो मैं बनाना का भी आपको दिखाऊंगा कितना है वो. एंड देन दिस इज द लास्ट वन ओवर हियर, राइट? यहाँ पे पूरा मेरे चारों तरफ जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज एंटायरली टोमेटो का प्लांटेशन, जो अभी अगले महीने से हार्वेस्टिंग शुरू होगा, राइट? सो फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 1 आवर आई हैव गॉट मिस्टर रोहन विथ मी. अभी फाइनली फ्री हुआ है. सो मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था, रोहन एंड माई सेल्फ वी वर टुगेदर इन कॉलेज दापोली में. मैं जब BSc हॉर्टिकल्चर पढ़ रहा था, ही वॉज डूइंग MSc इन बॉटनी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग. जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सो एग्जैक्टली बॉटनी. वही हुआ, सेम चीज. सो अभी मैं इस फील्ड के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, रोहन आप खुद ही बताना. सो क्या है क्वांटम यहाँ पे ओवरऑल? लाइक बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग, लोगों को पता नहीं है पर हम लोग 4th जनरेशन है फार्मिंग करते हुए. वी आर नॉट द फर्स्ट जनरेशन, वी आर द 4th जनरेशन इन दिस फील्ड. या एज फार एज आई नो, योर ग्रैंडफादर शिफ्टेड फ्रॉम गुजरात टू हियर, राइट? ग्रैंडफादर्स फादर. ओके, ग्रेट ग्रैंडफादर. ग्रेट ग्रैंडफादर शिफ्टेड हियर. ही स्टार्टेड फर्स्ट फार्मिंग हियर, देन जनरेशन टू जनरेशन, एंड वी आर द 4th जनरेशन हियर. ओके, तो वो 4th जनरेशन का एक्सपीरियंस अलग रहता है. एंड एवरी टाइम हम लोग के घर वाले हमें कभी भी हमको सिटी में रहने नहीं दिए, फार्म में रखे कि घर यहीं रहना चाहिए, आपको देखना चाहिए आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो. तो हमारे लिए क्या है, फार्मिंग इस लाइक अंदर से जुड़ा हुआ था. एजुकेशन के लिए भी इसलिए फार्मिंग में ही सेक्टर में गए, देन केम बैक हियर एंड वही फार्मिंग कर रहे हैं, वही मतलब लेगेसी फॉलो कर रहे हैं अपनी. So, अभी टोटल कितना एरिया है क्रॉप वाइज, या फिर टोटल इफ यू कैन टेल मी? 150 एकर्स के आसपास हम लोग. 150 एकर्स, ओके.
मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, मैंने 100 एकड़ बताया था, नहीं, ये अभी डेढ़ सौ है। अभी 2 यूनिट स्टार्ट किए, तू आया था तब 100 एकड़ ही था, हाँ अभी 2 यूनिट अभी एक महासमुंद में और एक बागबाड़ा में स्टार्ट किए, अच्छा ऑलमोस्ट 60-70 एकड़ उधर। अच्छा तो अभी अभी टोटल क्रॉप्स हाँ, कौन से चल रहे हैं? बेटर गॉर्ड, टोमेटो, ब्रिंजल, बिटरगेट, टोमेटो, ब्रिंजल और चिली चिली चल रहा है। चिली ओके, एंड व्हाट आर द मार्केट्स यू टारगेट? ओवरऑल मतलब इंडिया, लोकल मार्केट में तो ये नहीं चलेगा इतना, ओवरऑल इंडिया। ओवरऑल इंडिया। अच्छा टोमेटो जो लगा था लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से वो पूरा दिल्ली, बिहार, बंगाल, बेंगलोर, साउथ उधर कवर करता है, एंड समटाइम बांग्लादेश ऑल्सो उधर। ओह अगर वाओ, अब टोमेटो हम लोग का पाकिस्तान भी गया है, जब वॉर के पहले का जो स्थिति था, टोमेटो यहाँ से पाकिस्तान भी गया था जब वहाँ पे हालत ख़राब थी, सो ट्रांसपोर्ट पूरा बाय रोड होता है। बाई रोड। एक्चुअली उसका जो कलर है हल्का सा, जैसे ग्रीन कलर है, और हल्का सा वो कलर स्टार्ट करता है, तब उसको पिकअप कर लेते हैं, उसको तोड़ के पैकिंग करके भेज देते हैं, और 5 डेज तक आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एंड अच्छा, अनदर 5 डेज टिकता है। तो वैसी वेराइटीज चूज करते हैं जो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। सो मतलब पहले से आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाने वाला है आपका पहले घर से ही वो। ऐसे टारगेट करके रखते हैं कि ओवरऑल इंडिया मेरे को मार्केट करना है, क्योंकि कौन सा मार्केट कहाँ पे क्या हिट करेगा मेरे को नहीं पता। मैं इतना एरिया में लगाया हूँ, लोकल मार्केट में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मेरे को सक सके, मतलब इस एरिया को सक सके, इतने बड़े एरिया को। टोमेटो अभी कितना है टोटल टोमेटो? 25 एकड़ है, 25 एकर्स। एंड एक्सपेक्टेड हार्वेस्ट टोटल? पर एकड़ 60 टन टारगेट है। 60 टन्स। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, 3000 टन्स? नहीं, ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं सॉरी, या 25 x 6, सॉरी 1500 टन्स। 1500 टन्स। सही है, आपको चाहिए 1-2 किलो तो बोल दो, लेके आता हूँ अरे मैं। रोहन का नंबर दे दूँ? उसको व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, मेरे लिए 2 किलो भेज। नहीं, आधा किलो। एज आई सेड, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कम हियर। एवरी टाइम आई कम हियर विथ अ व्यू ऑफ लर्निंग समथिंग, कुछ ना कुछ तो यहाँ से सीख के जाता ही हूँ मैं। अभी भी पिछले आधे घंटे से, 1 घंटे से हम जो घूम रहे हैं ना, ही इज टेलिंग मी अबाउट ऑल द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स दैट ही इज डूइंग। जो कंपनीज वगैरह यहाँ पे आके उनके एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स या फिर नए नए टेक्नोलॉजीज यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कराते हैं, ट्रायल प्लॉट्स बनाते हैं, वो सारी चीज़ें, उसमें से कुछ ना कुछ 1% 2% भी अगर मैं उठा पाऊँ, और वहाँ पे जो भी मुझे पूछते हैं, जो भी मैं कंसल्ट करता हूँ, उसमें अगर कुछ भी मैं दे पाऊँ ना, तो दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी इज ट्रांसफर्ड। मतलब उससे अलग और क्या हो सकता है? कंसल्टेंसी मतलब मैं खुद के दिमाग से, ये थोड़ी ना ऐसा है कि मैं आइंस्टाइन नहीं हूँ कि नया फॉर्मूला बनाऊँ। कहीं और चल रहा है, अपने यहाँ पे उसको कैसे अडाप्ट कर सकते हैं, दिस इज़ वॉट कंसल्टेंट डज। सो दिस इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ माई जॉब अपार्ट फ्रॉम काउंटिंग किलोमीटर्स। काउंटिंग किलोमीटर्स इज मोर लाइक अ हॉबी, बट दिस इज वॉट आई डू फॉर लिविंग। अगर आपको पता नहीं था तो इससे आगे अगर खेती वेती करनी है तो फोन करो, काउंटिंग किलोमीटर्स का कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। अरे अभी सुबह से खेत में घूम रहे हैं, अभी भूख लग रही है, सो अभी वापस जाएंगे घर पे रोहन के। विल डू हैव अ ब्रेकफास्ट, प्रियंका भी रेडी हो चुकी है, और ब्रेकफास्ट के बाद देन वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फॉर जगदलपुर एज आई सेड अर्लियर, बट जाते जाते बनाना वाला प्लॉट दिखाना है। चलो ऑलराइट, सो वी आर बैक हियर इन द ब्रिंजल एंड बनाना वाला प्लॉट। ये पूरा ब्रिंजल लगा हुआ है, एंड लुक एट दिस, ये पूरा खेत यहाँ से वहाँ तक एंड तक ये पूरा बनाना लगा हुआ है। दिस इज इन सेकेंड ईयर, एक हार्वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, सेकेंड हार्वेस्ट इस साल नहीं, अगले फरवरी तक, राइट? मार्च, फरवरी मार्च तक सेकेंड हार्वेस्ट होगा। सो मतलब खेत में घूमने के लिए हम लोग गाड़ी पे घूम रहे हैं पिछले 1 घंटे से। दैट्स द साइज ऑफ फार्मिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, और अभी साइज ऑफ पेट इज टॉकिंग। सो ब्रेकफास्ट फर्स्ट प्रायोरिटी, अभी ब्रेकफास्ट है। दिस इज द पीटरगढ़ प्लॉट, जो घर के सामने वाला खेत है। यहाँ पीछे वो पीछे गेट, ये इस तरफ उधर तक, इस तरफ उधर तक, जहाँ मतलब जहाँ देखो अभी मुझे सिर्फ ये पीटरगढ़ ही दिख रहा है। करेला मैं खुद तो खाता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है, और इतना करेला है इधर, इसमें से कितना निकलेगा टोटल? इसमें कम रहता है, 5 मतलब।
10 एकड़ का 26 एकड़ मतलब हुआ ना 2500 टन 2500 टन मतलब कितने जीरो लगाने हैं यार, मेरा मैथ्स कमजोर हो गया। 250 टन जो भी है मैं पता नहीं, 250 टन मैं वही बोल रहा हूँ, मैं मेरा मैथ्स कमजोर हो गया ये सुनते सुनते। दिस इज द होम ब्रेकफास्ट तो हो गया है, अभी वापस जाना है खेत में घूमने के लिए, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे कुछ लोग है। आम्ही ऍक्टिवा वरन शेत बघून आलो आणि आता हे हॅरियर मध्ये बसून शेत फिरायला चाललेत। मोठी माणसं म्हणजे जरा जास्तच मोठी माणसं हां, शेत फिरायला हॅरियर वापरतात हे ह्याच्यामुळे। एनीवेज अभी फील्ड पूरा विजिट करके आएंगे, उसके बाद जो मैंने बताया जगदलपुर के निकलना है, तो जगदलपुर हम लोग यही गाड़ी लेके जाने वाले हैं। दैट विल बी मी प्रियंका एंड ईवा ओनली, तीन लोग अभी यहाँ से निकलेंगे हम एंड विल बी टेकिंग दिस कार थैंक्स टू रोहन वंस अगेन। सो अभी मैं थोड़ा सा ये गाड़ी चलाने सीखने वाला हूँ, बिकॉज इससे पहले कभी हैरियर चला ही नहीं है, तो दिस इज़ अ टेस्ट ड्राइव। जमेल ना रे वाला हाँ भाई, जमेल ना तेरे को, जमेगा। 10 साल हो गए भगाते थे नाही जमली तर अपन मग कुठली तरी दुसरी छोटीशी गाड़ी घेऊन जाऊया। ऍक्टिवा घेऊन जायचं जगदलपूरला, मी तयार आहे, चल तू येणार असशील तर। काय म्हणता ऍक्टिवावर जायचं? चलो अभी फिर एक बार फील्ड का राउंड लेके आते हैं, प्रियंका को सब देखना है। अच्छा नुसतं बांधावर ना फिरून शेती करतात का? शेतीबद्दल डिस्कशन करताय शेतकऱ्यांबद्दल? अच्छा म्हणजे थोडक्यात दोघं एकमेकींच्या नवऱ्यांची बदनामी करतात एकमेकींकडे, म्हणजे गॉसिपिंगला किती गोड नाव दिलं आहे। आम्ही शेतकऱ्यांबद्दल डिस्कशन करतोय, बेसिकली गॉसिपिंग करतोय। बाय द वे दिस इज द फर्स्ट हार्वेस्ट, ये जो ब्रिंजल का प्लॉट है जहाँ पे ये व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने, जो सुबह सुबह 8 बजे आपको दिखाया था, वहाँ का अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है एंड दिस इज द फर्स्ट हार्वेस्ट। 212 VNR 212। लुक एट द साइज, वाओ। ये बघ ही बघ कलर मॅच होतोय का? हे बघ इवा, हे बघ मम्मा सेम अशीच दिसते बघ, हे बघ सेम टू सेम। बाय द वे इसको कर, ये बैंगन बहुत पसंद है, पण हे एक तुला 4 दिवस पुरेल ना? अभी रोहन का नंबर तो देना ही पड़ेगा, मतलब टमाटर के साथ बैंगन का भी आप ऑर्डर भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, आधा किलो पार्सल। बाय द वे मीट श्रुती, रोहन्स वाइफ, हिला मराठी येते हा, सो मराठीत बोलू शकतो आपण। रोहनच्या समोर मराठी बोलला ना की रोहन असा थोड्या वेळानंतर असा 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 बघायला लागतो। ऑल राईट, इट्स वेल पास्ट 1 o'clock अँड फायनली इट्स टाईम टू लीव। अभी यहाँ से निकल रहे रायपूर के लिए, रायपूर के लिए नहीं, रायपूर से निकल रहे जगदलपूर के लिए एंड इट्स 300 किलोमीटर्स ड्राइविंग। गूगल बता रहा है कि 6 घंटा 44 मिनट मतलब ऑलमोस्ट 7 घंटे लगेंगे। एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा वो तो जाते जाते ही पता चलेगा, रास्ते में कहीं लंच के लिए रुकेंगे, फिर और भी गाड़ी का एक छोटा सा काम करवाना है वो करके लेंगे। सो यस, पूरा दिन अभी ट्रैवल ही करना है अभी से शाम तक, 7-8 बजे 9 बजे जब भी पहुँचेंगे पहुँचेंगे। सो द जर्नी बिगिंस एंड ऑफकोर्स आप सब तो हमारे साथ चलेंगे ही जर्नी पे, बट इट्स टाइम टू से गुड बाय टू रोहन एंड श्रुति। 3 दिन बाद फिर से मिलेंगे, 10 तारीख को यहाँ पे वापस पहुँचना है हमें, 10 तारीख को अराउंड नून टाइम। सो इट्स टाइम टू से, दीवी ने तो मुंह फेर लिया, दीवी का गुड बाय कहने का भी मूड नहीं है। दीवी बाय बाय नहीं। चलो मिलते हैं 10 तारीख को। चल गूगल मैया के भरोसे चल रहे हैं पिछले आधे घंटे से,
नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, बहुत अच्छे रोड पे चला रहा है गूगल, लेकिन हमें रायपुर सिटी लगी ही नहीं। हम कहाँ से जा रहे हैं पता नहीं अभी, लेकिन वी आर ऑन अवे टू जगदलपुर। बहुत ब्यूटीफुल रोड है, बहुत ब्यूटीफुल, दोनों तरफ पूरी ग्रीनरी, खेत है सब, लिटरली अमेजिंग, बहुत सही है। बाय द वे प्रियांका ला अजून पण भीती वाटती है कि आम्ही नक्षलिस्ट एरिया मध्ये फिरायला चाललोय, वेअर एज तिला सांगून सांगून थकलोय आम्ही की असं काही नसतं, पण तरी सुद्धा अजूनपर्यंत तरी असं काही वाटत नाहीये, छान वाटतंय करायला। जंगल एरिया येईल तेव्हा। अच्छा, मग काय म्हणजे तुला तुला काय वाटतं जंगलात, तसं म्हणजे जसे तिकडे लडाखला वगैरे पोलिसांचे चेकपोस्ट असतात, तसे इकडे जंगलामध्ये तुला कोणतरी आडवायला बसलेला असणार काय, असं काय तुला वाटतंय का? महाराष्ट्रामध्ये बसून हा एरिया असाच इमॅजिन केला जातो, आता इथे आल्यावर ऍक्च्युअल कळणार आहे मला काय असं काय आहे ते। नाही, मी येऊन गेलो आधी, मला माहिती आहे की असं काही नाहीये, इट्स टोटली सेफ, इट्स व्हेरी ब्युटिफुल, अमेझिंग। मतलब ज्या वॉटरफॉल्सला आम्ही चाललोय ना आता, वन ऑफ द नाही, फ्यू ऑफ द बेस्ट वॉटरफॉल्स इन इंडिया। महाराष्ट्रात राहून, कोकणात राहून, कर्जत सारख्या ठिकाणी राहून मी हे बोलतोय की सम ऑफ द बेस्ट वॉटरफॉल्स इन इंडिया आर दीज। म्हणजे विचार करा, वॉटरफॉल्स माझ्यासाठी नवीन नाही आहेत। इट्स 5:30 इन द इव्हनिंग ऑलरेडी, 150 किलोमीटर आगे, 150 किलोमीटर जाना अभी बाकी है। रोड तो अच्छा था, शुरू शुरू में थोड़ा खराब रोड लगा था 30-40 किलोमीटर, उसके बाद रोड बहुत सही था, लेकिन अभी पिछले ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर से जो ट्रैफिक में फंसे हैं, कांकेर करके एक प्लेस है, उस सिटी में पूरा ट्रैफिक जाम, उसमें रास्ता खराब है, और उसमें अभी ये भाई साहब के गाड़ी पर से एक बक्सा गिर गया नीचे, तो बीच रास्ते में खड़े होके वो अभी बक्सा उठा रहे हैं, और अपने पीछे पूरी लाइन लग चुकी है, अभी क्या करें, रुकना पड़ेगा। ये है छत्तीसगढ़ में गाड़ी चलाते समय सबसे फ्रीक्वेंटली आने वाला स्पीड ब्रेकर। अभी तो ये बेचारे एक साइड से जा रहे हैं, लेकिन सुबह से इतनी बार देखा है ना, मतलब ओवरऑल कल से देख रहा हूँ, पूरे रास्ते के बीच में ऐसे फैल के बैठे हुए रहते हैं। आपको जाना है तो लिटरली नीचे उतर के उनको हटा के उठा के पैर पड़ के हाथ जोड़ के बाबा सरक मला जाऊ दे असं सगळं बोलून मग ते आपल्याला त्यांच्या मनात आलं तर जागा देतात जायला। फक्त हॉर्न वाजवून वगैरे इकडे काय होत नाही, ते आपल्या तिकडच्या महाराष्ट्रातल्या गाई मशीनना चालतं, इकडच्यांना काय हॉर्नचा फरक पडत नाही। इस पुरे रूट में सिर्फ एक ही घाट है जिसको यहाँ पे लोग केशकाल घाटी बोलते हैं, मतलब काले बालों वाली घाटी। असे काय इकडे काळे केस वाली भूत भीत असतात काय? गपोस। हिला टेंशन कसलं आलंय माहितीये का? एक तर घाट आहे, त्यात हा रस्ता असा एवढा खराब, हा, आणि मग आता ह्याच्यामध्ये जर कोणी नक्षलवाद्यांनी वगैरे आपल्याला अडवलं तर? असं मी काहीच बोलली नाही, असं तर तू घरी असल्यापासून बोलतीयस। सो बेसिकली मला ड्रायव्हिंगची पण एंटरटेनमेंट आहे आणि इकडे पण एंटरटेनमेंट आहे, मजा घेतोय मी। फक्त एवढंच की रस्ता चांगला असता तर अजून मजा आली असती। काय रस्ता यार, म्हणजे लिटरली 20 स्पीडने चालतोय, 20-25 पण नाहीच, 20-25 असं म्हणायला, 20च फक्त। वी रीच्ड हियर अराउंड 8:30 इन द नाईट जगदलपूर में, लेकिन यहाँ आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में रास्ता भी खराब था, बारिश भी बहुत लगी, सो उसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ, और यहाँ आने के बाद और एक नाटक हुआ, यहाँ पे होटल्स ही अवेलेबल नहीं थे, मतलब जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं जो फैमिली के हिसाब से सेफ है, दोज वर ऑल बुक्ड। यहाँ पे टूरिस्ट का एकदम पीक सीजन चल रहा है, सो ऑलमोस्ट एक घंटा गया होटल ढूंढने में, और फाइनली अराउंड 9:30 वी गॉट अ होटल विच इज 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जगदलपुर। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी विथ न्यू एनर्जी, क्योंकि आज का दिन ट्रैवलिंग में थोड़ा तो टायर्ड हो गया हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्चुअल साइट सीइंग के साथ यहाँ के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।